ऐसे ओपन हो जिसको स्क्रीन से ही होगी और कैसे नहीं हो सकता। सो दोस्तों वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों आप लोग कैसे हैं, आई होप आप सब सही होंगे। सो दोस्तों आज हम इसका इन्फॉर्मेशन, इसकी नहीं दोस्तों, ओला स्कूटर की हम फुल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ढेर सारे हमारे पास कमेंट आए हैं कि भाई हमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दो, इसके बारे में सारी चीज़ें बताओ। सो दोस्तों आज हम इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देते हैं। पहले आपको दिखाते हैं ये कैसा है, क्या है। सो गाइस ये स्कूटर है ओला S1, S Pro नहीं है, ये S1 है। इसके अंदर दोस्तों ये बैटरी वाला स्कूटर है। इसकी चार्जिंग पॉइंट सबसे बड़ा ये देखो, द चार्जिंग पॉइंट ये, इसकी रबड़ आप निकालोगे यहाँ इसका चार्जर लगेगा दोस्तों। और एक चीज़ और कि इसके चार्ज को कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं फुल चार्ज होने में, 100 होने में। और दोस्तों ये इसका डिस्प्ले है। दोस्तों ये हो गया ओपन। तो दोस्तों इसके अंदर ये चीज़ देखिए, ये अभी विंटेज है। इसके अंदर तो एक सेकंड दबा के रखोगे तो इसके अंदर 3 तरह के मोड आएंगे। आप इसको ये भी कर सकते हो, एंड सेकंड मोड तो आपके सामने था ही, और थर्ड मोड ये स्पोर्ट मोड आप चला सकते हो इस तरीके से, अपनी मर्जी है। मैंने इसको विंटेज में ही रखा हुआ है क्योंकि मुझे विंटेज में ही चलाना। और दोस्तों एक चीज़ और है इसके अंदर कि इसकी डिग्गी देखो, ये ऐसे ओपन होते इसको स्क्रीन से ही होगी और कैसे नहीं हो सकती, या फिर ऐप से। ये स्क्रीन का बटन ऐसे पुश किया और ऑटोमेटिकली इसकी डिग्गी खुल जाएगी। मैंने तो बहुत कचरा भर रखा है दोस्तों। इसका बूट स्पेस देखो ज़रा, 400 लीटर का बूट स्पेस है, बहुत ज़्यादा मतलब ओवर है, ज़रूरत से ज़्यादा। सो दोस्तों अब इसके अंदर फीचर्स दिखाते हो, फीचर की भरमार है। 3 मोड्स तो आपको मैंने दिखा दिए, सिर्फ मीटर्स के आप चेंज कर सकते हैं, और भी कितने आपको दिखा पाते हो। एक ये देखो, ये बटन्स देख रहे हो, ये बटन है स्टार्ट करने का, ठीक है दोस्तों। और ये बटन है इसके मोड चेंज करने का, और दोस्तों ये वॉल्यूम ज़्यादा करने का और ये कम करने का, और इससे आप पॉज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और ये वाले मोड, इन मोड्स के अंदर क्या क्या है, इस मोड के अंदर ये रिवर्स, हाँ जी इसके अंदर रिवर्स मोड भी है। तो दोस्तों इसको आप रिवर्स दबाओगे तो ये रिवर्स स्कूटर भी जाएगा, और ये हाई एंड लो करने के लिए हो गया, ये राइट इंडिकेटर एंड लेफ्ट इंडिकेटर दोनों राइट और लेफ्ट हो गया, और ये इसका हॉर्न हो गया। और दोस्तों इसके अंदर सबसे बड़ी बात आप देखो इसके बाद में। सो दोस्तों ये देखो जैसे ऑन होगा, इसके अंदर देखो ब्लूटूथ भी है, इसके अंदर साइड स्टैंड का ऑप्शन भी है। जैसे ही मैं इसे ये देखो साइड स्टैंड भी कर रहा हूँ, ये हटाऊंगा तो ये साइड स्टैंड हट जाएगा, और ये लगा दिए तो लग जाएगा। और दोस्तों इसके अंदर देखो ये लाइट्स 24x7 ऑन रहती है, आप इसका DLR ऑफ और ऑन भी कर सकते हो। और उसके बाद दोस्तों ये देखो जैसे ही आप इसका स्टैंड पाओगे, कैसे करोगे इसके मोड्स तभी, और इसको ऑन करने के लिए पहले इसकी ब्रेक दबानी पड़ेगी, और उसके बाद इसका स्विच दबाओगे तो ये देखो नॉर्मल आ गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। इसकी लाइट्स देखो दोस्तों, इसकी लाइट्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों ये कि इसका इस तरीके से हाई बीम, ये इसका लो बीम, लो और हाई। ये देखो प्रॉपर भी मैंने बंद कर रखा है, इससे चल रही है थोड़ा पास आओ बस। तो दोस्तों ये देखो इसका हाई बीम भी है और ये लो बीम दोनों हो जाते हैं, और दोनों लाइट्स बंद हो जाती हैं। और क्यों, इसके अंदर एक DRL भी ऑन रहती है इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब स्कूटर स्टैंड पे लगा रहेगा तो सिर्फ इसकी DRL चलेगी, और अगर स्कूटर ऑफ स्टार्ट कर दोगे तो इसकी ऑटोमेटिकली लाइट शट ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसकी ये देखो सबसे इसकी इंडिकेटर है, ये देखो दोस्तों इसका इंडिकेटर मैं चलाता हूँ यहाँ से, ये देखो दोस्तों इसका इंडिकेटर कितना स्लीक इंडिकेटर है, इतना स्मूथ इंडिकेटर है, जो बहुत ही LED बहुत प्यारा इंडिकेटर दोस्तों मुझे नहीं लगता। और इसके अंदर एक फीचर और भी है, अगर आप इसे पार्किंग मोड में कर देते हो तो 2 सेकंड अगर आप इंडिकेटर का पुश बंद करते हो तो देखो जरा इसकी दोनों लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगी दोस्तों, देख रहे हो इस तरीके से। और इसको आप 2 सेकंड पुश दोबारा कर दो तो ऑटोमेटिकली इसकी लाइट्स स्विच ऑफ हो जाएंगी दोस्तों। इसके अंदर ये सारे गजब के फीचर हैं। सो दोस्तों उसके बाद एक चीज़ और देखो कि इसकी एक बड़ी माइनस सबसे बड़ी चीज़ है कि देखो अगर अच्छी चीज़ बना रहा हूँ तो बुरी भी मुझे बतानी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी सबसे मुझे वीक चीज़ लगी वो इसका ये साइड स्टैंड है। सी साइड स्टैंड के वजह से ये देखो दोस्तों ये प्लास्टिक इसका इतना वीक है कि इसमें डेंट आ गया। अभी नया स्कूटर है देख रहे हो दोस्तों, इसकी माइनस पॉइंट यही है कि दोस्तों कि ये इतना लो क्वालिटी का स्टैंड है, इसके अंदर बड़ा स्टैंड दिया नहीं गया। और बड़ा स्टैंड में एक चीज़ और है,
बड़ा स्टैंड में क्या है कि आप कंपनी से अगर बड़ा स्टैंड लग जाता है, मुझे भी मैं पता करके आऊँ कंपनी में, बड़ा स्टैंड लग जाता है और 1000 रुपये लेते हैं तो कंपनी लगाएगी तो गारंटी आपकी आउट नहीं होती, ये कंपनी का कहना है। मैंने कंपनी वाले उनके वर्कर से बात की तो उन्होंने यही कहा कि अगर आप हमसे लगवाते हो तो ऑटोमेटिकली हमारा कोई 1000 रुपये लेंगे लेकिन उसके अंदर आपकी गारंटी आउट नहीं होगी। अगर आप बाहर से लगाते हो, अगर बाहर से करवाते हो 100, 200, 300 का, तो उसकी गारंटी ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगी दोस्तों। और एक और चीज़ ये देखो दोस्तों, ये इसके लेकिन एटलीस्ट अच्छे दिए हैं, ये आपका ये मैंने खुद से लगवाया है तो ये दोस्तों ये अच्छी चीज़ दे रखी है। और ये देखो दोस्तों, इसके लाइट्स तो बहुत प्यारी हैं लेकिन इसकी सेफ्टी गार्ड लेने बहुत ज़रूरी है। क्यों? रीज़न, इससे ये एटलीस्ट आपका सेफ रहेगा स्कूटर। और ये आप लगवाना लगाओ, ये आपकी मन की इच्छा है, ये मैंने अपनी तरफ से सेफ्टी के लिए बैठने के लिए लगवा रखा है। और दोस्तों ये देखो, इसके सबसे इम्पोर्टेंट ये देखो कि इसकी अलॉयज देख रहे हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरह के ये स्पॉकेट्स है ना, 5-6 तरह के, ये बहुत अच्छे हैं। और इसकी जो टायर की ग्रिप्स है वो बहुत अच्छी, इसकी ग्रिप है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो दोस्तों इसके अंदर एक चीज़ और भी है थोड़ा सा। तो दोस्तों ये चीज़ है कि जो शॉकर था ना पहले वाले में बहुत ठीक दे रहा था, लेकिन अब वाले स्कूटर के अंदर, इन वालों के अंदर शॉकर इसके ऑटोमेटिकली चेंज करके और हैवी क्वालिटी के दिए हैं ताकि एटलीस्ट ये टूटे ना, और अब इस तरीके की परेशानी ख़त्म होगी। और ये देखो इसके सेफ्टी गार्ड्स भी इस तरीके के आते हैं, और एक कवर वाला भी आता है पूरा इसके अंदर, ये भी आता है। और हर एक और चीज़ दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका ये चार्जर, ये देखो दोस्तों सी दिस चार्जर, इस चार्जर के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग ये लीड अगर सेल फोन में हम लगाते हैं तो दोस्तों एक चीज़ ज़रूरी है बतानी आपको कि इसका इतना फास्ट चार्जर है कि हार्डली 15 to 20 मिनट के अंदर आपका 80% फोन चार्ज 0 to 80% ईजिली कर देता, आपको बूस्ट चार्जर की नीड ही नहीं पड़ेगी इसके अंदर, ये बड़ा बेनिफिट है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ की बताई जाए इस स्कूटर के बारे में, वो इसकी रेंज है। रेंज इसकी दोस्तों सबसे चीज़ मैं कहूँगा कि रेंज बेसिकली जिस तरीके से पर्पज से बनाया गया था कि हम इसको बेसिकली फील्ड में चलाएं या इधर चलाएं, लेकिन ये चलता सिर्फ 80 किलोमीटर, 82-85, या क्योंकि हम एक्सेलेट करेंगे ऑब्वियसली 40 के अंदर तो चलाएंगे, 40 ईको के अंदर ये चल जाता है 110 किलोमीटर। अगर आप और थोड़ा अच्छे से चलाएंगे तो दोस्तों उसके अंदर 115-120 की एवरेज निकाल सकता है, लेकिन हम चलाते हैं नॉर्मल मोड के अंदर ये 80-90 के बीच में चलता है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अगर इन केस ऑफ जैसे आप गुड़गांव से जॉब करते हैं, एटलीस्ट आप 40 किलोमीटर की जॉब करते हैं, और स्कूटर को अगर आप ले जाते हैं तो आना जाना तो फ्री है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद वहाँ अगर आप घूम गए, अगर आपने चार्ज नहीं किया तो घर डेफिनेटली आप नहीं पहुँच पाएंगे। इसका स्कूटर का ड्रॉबैक यही है। तो दोस्तों इसकी चार्जिंग भी 4 से 5 घंटे में ये ले लेता स्कूटर। तो दोस्तों और भी कोई चीज़ अगर आप पूछना चाहें मुझसे तो आप पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और, इसकी आपको स्पीड भी अभी आपको हम दिखाएंगे, स्कूटर की स्पीड भी नॉर्मल मोड में, इको मोड में, नॉर्मल मोड में और स्पोर्ट्स मोड में। तो दोस्तों आपको स्पीड दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों देखो, ये हमने इको मोड कर दिया, ये देखो दोस्तों ये लिखा इको मोड, तो आपको इको मोड की स्पीड दिखाते हैं तो ये कितना दौड़ता है, देखो पूरा एक्सीलेटर देखते हैं। स्पोर्ट बिल्कुल वाहियात है, जब आपकी बैटरी बिल्कुल लो हो जाएगी तो इको स्पोर्ट आपका किसी भी काम नहीं आएगा, तो सिर्फ 40 की स्पीड चलता है। उतरते हैं नॉर्मल मोड, ठीक है दोस्तों अब ये आ गया नॉर्मल मोड, अब चलते हैं नॉर्मल मोड की स्पीड देखें दोस्तों। दोस्तों नॉर्मल मोड तो भाई साहब रॉकेट है, मजा आ गया इसमें कोई तरह नहीं, और 80 की स्पीड में पल भर के अंदर लग गया दोस्तों। अब तो दोस्तों अब हम करते हैं इसका स्पोर्ट्स मोड ऑन, ये हमने बटन दबाया, अब इसका दोस्तों देखो स्पोर्ट्स मोड ऑन, अब स्पोर्ट्स मोड में देखते हैं क्या था। भाई साहब गजब, 0 to 100 लाइक दिस ऐसे चल रहा है भाई साहब, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। स्पोर्ट्स मोड तो रॉकेट है, मैं कहता हूँ दूसरी बाइक है। तो दोस्तों इसका कोई तोड़ नहीं है, एक मोड और लास्ट बचा जो आपको दिखाना है दोस्तों। सबसे बड़ी चीज़ एक मोड आपको दिखाती है, पार्टी मोड की तरह, ये देखो दोस्तों इसको पार्टी मोड चलाने का तरीका, ये देखो डबल डिप कर दिया, सी दिस पार्टी मोड इज एक्टिव। अब फ्रंट साइड पे देखो जैसे ही गाने बजेंगे, ये देखो दोस्तों गाने हम इसलिए नहीं चला
बता सकते हैं कारण, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो दोस्तों तो पार्टी मोड भी इसके अंदर है, इवन की सारे फीचर स्कूटर के अंदर दिए गए हैं। दोस्तों मैं कहता हूँ ऐसा कोई फीचर नहीं है जो इसके अंदर नहीं दिया गया हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो दोस्तों मैंने इस स्कूटर के बारे में, ओला स्कूटर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। सो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं एंड करते, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। सो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। सो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग, और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको हिट करो।